लोग को LHB AC कोच में बता रहे हैं कि पावर सप्लाई देने के बाद में क्या होता है। तो ये देखिए, ये IV कपलर है, 750 वोल्ट हम इसमें इनपुट करा दिए और इसके बाद हम आपको पैनल में क्या क्या करना होता है, चलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या देखना होता है, कैसे AC चलाना है, कैसे पंप चलाना है, उसको ऑपरेटिंग के बारे में हम सारा कुछ आपको बता रहे हैं। हम देखिए, सबसे पहले हम नीचे से सप्लाई देने के बाद हम ऊपर आ गए हैं। तो ये SBC पैनल है, तो अब हम देखिए इसको SBC पैनल को हम खोलते हैं। तो सबसे पहले SBC पैनल को खोलने के बाद यहाँ हम देखिए, आपको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अंधेरा है, तो हम इसके लिए लाइट आपको जला देते हैं। अब हम इसके लिए ये फिर हम आपको इसके लिए डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन नीचे देखिए, अब हम सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ देखिए नीचे, यहाँ ऐसे हम खोल के देखते हैं, यहाँ DND होता है। तो सबसे पहले हमको आने के बाद यहाँ तो DND की ऑफ मोड में है कि ऑन मोड में है, ये हमको देख लेना है। तो अभी DND ऑफ पोजिशन में है, तो सबसे पहले हमको यहाँ देखिए DND को जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए अभी ऑन किए और यहाँ देखिए आपको MMR में यहाँ लाइन दिखने लगेगा। तो ये K04 है, जैसे ही मतलब K04 में है, यानी दो नंबर फीडर में हमारा लाइन है। तो दो नंबर फीडर में लाइन है, तो तुरंत यहाँ से हमको पैनल में चलना है। आइए हम आपको पैनल में यहाँ दिखा रहे हैं, और पैनल में यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो पैनल में यहाँ देखिए नेट आपको दिखेगा यहाँ। तो अब ये देखिए पावर सिलेक्टर आपको स्विच भी मिलेगा। तो पावर सप्लाई सबसे पहले यहाँ हमको आपको ऑन करना होगा। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद वहाँ K04 था, यानी दो नंबर नेट, यहाँ देखिए दो नंबर है। तो जैसे ही देखिए हम ऐसे ऑन करेगा तो आपको एक आवाज़ भी आएगा, या कॉन्ट्रेक्टर मतलब पकड़ लिया, और देखिए EBC यहाँ आपको चलने लगेगा। EBC आपको चलते हुए यहाँ देखिए मेन ऑन दिखा रहा है, यानी अब यहाँ आपको देखिए वोल्टेज भी यहाँ शो कर रहा होगा कुछ, इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल्स बताएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या हमको करना है, इसके बाद देखिए यहाँ बस बार में AC बस बार है, यहाँ AC बस बार में देखिए हमको सबसे पहले यहाँ ये देखिए हम मीटर ले लिए हैं, और मीटर का वोल्टेज AC वोल्टेज देखिए रहेगा ये। अब देखिए यहाँ हम सबका ये फेज देखिए, फेज सीक्वेंस यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ RYB है, तो सबका देखेंगे हम, सबके एक के साथ एक देखिए। यहाँ देखिए वोल्टेज आपको यहाँ मिलना चाहिए, आपको 415 मिलना चाहिए, और वो तो 5% आप लोग जानते ही हैं। और फिर देखिए इसके पास दूसरे फेज में फिर दिखा रहे हैं आपको, R के साथ ब्लू का दिखा रहे हैं, फिर देखिए येलो के साथ ब्लू को दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि AC सप्लाई हमारा ओके है। अब इसी तरह हम देखिए यहाँ ये DC का बस बार ये है, तो हम आपको देखिए ये DC का हम देखिए यहाँ EBC में, यहाँ देखिए आप EBC में हम आपको दिखा रहे हैं, EBC में देखिए यहाँ वोल्टेज जो दिखाता है, देखिए यहाँ 117 वोल्ट दिखा रहा है, यानी यही DC वोल्ट यहाँ DC बस बार में भी हमको यहाँ देखिए हम यहाँ लगाएंगे आपको, तो यहाँ देखिए यही दिखना चाहिए आपको जितना वहाँ वोल्टेज था, देखिए। तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत आपको कम होगा, क्योंकि थोड़ा लोड रहता है तो थोड़ा सा ये होता है, DC में वोल्टेज का थोड़ा ड्रॉप होता है, तो ये आपको समझ सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से सब में आप चेक कर रहे होंगे, हम सब में चेक करके आपको दिखा रहे हैं, सभी में इसी तरह से आपको रहेगा, इसमें आप कहीं भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम अब ये हम दिखा रहे हैं आपको सब चाहते हैं यहाँ MCB को, यहाँ देखिए MCB सारा हम अब इसको हम ऑन मोड में कर रहे हैं। तो देखिए अब इसको हम क्यों नहीं उठाएं, ये देखिए किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका 36 जो है ये पंप के लिए होता है, तो ये पंप के लिए होता है। ये देखिए 36 जो MCB है, तो ये जो हम किस लिए यूज करते हैं, तो इसको हम जो कॉन्ट्रेक्टर मोटर का जो कॉन्ट्रेक्टर होता है उसका जो कंट्रोलिंग के लिए जो होता है उसी के लिए ये यूज किया जाता है। तो हम देखे आइए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ जो आपको 23 के बाद जो दो कॉन्ट्रेक्टर दिख रहे होंगे, तो 24 और 25 जो है वो दोनों आप कॉन्ट्रेक्टर को देख लीजिए। तो 24 के लिए देखिए यहाँ MPCB लगा रहता है, इसको मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। 24 के लिए 21 और 25 के लिए 22 रहता है। अब यहाँ देखिए इसको हम पैनल में दिखा रहे हैं आपको कि कैसे ये होता है। तो यहाँ देखिए ये कंट्रोलिंग वाला जो रहता है, यहाँ मोटर कंट्रोलिंग फिलहाल अभी ये खराब है, तो इसी में ये देखिए एक नंबर और दो नंबर रहता है, बीच में जो रहेगा तो ऑटो मोड में रहेगा। तो देखिए एक नंबर जैसे ही हम करेंगे यानी कि तो 24 और दो नंबर में रखेंगे तो 25, और इसी तरह से हमारा कॉन्ट्रेक्टर पकड़ कर ये मोटर जो है सो कंट्रोलिंग होते रहता है, चलता है। तो देखिए यहाँ एक MCB 35 रहता है, तो 35 को हम किस लिए यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं AC को चलाने के लिए। तो जिसको देखिए जिस तरह से हम जैसे ही ऑन करेंगे, तो यहाँ देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर में आपको सारा ये कंट्रोलिंग होता है,
इसमें देखिए आपको लाइन दिख गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ देखिए, ये देखिए एक बस बार आपको इधर देखिएगा, इधर ये पावर पैनल साइड रहता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसका हम इसको ये ब्लोअर को ऑन करेंगे, फिर यहाँ देखिए ये कंडेंसर को ऑन करेंगे, फिर ये कंडेंसर को ऑन करेंगे, फिर ये कंप्रेसर को ऑन करेंगे, फिर ये कंप्रेसर को ऑन करेंगे। ठीक उसी प्रकार एनपीपी साइड का भी है। तो इसको देखिए उसी तरह से इसका फिर ब्लोअर ऑन किया, फिर इसका देखिए कंडेंसर कंडेंसर, फिर इधर देखिए कंप्रेसर कंप्रेसर। अभी हम इसी तरह से एसी को हम चलाते हैं और अब देखिए एसी भी चल रहा है और इधर देखिए हमारा पंप भी चल रहा है 36। इसको भी जैसे ही हम ये उठा हुआ था तो देखिए ये उठा हुआ, इसका मतलब हमारा पंप भी चल रहा है। अब ईबीसी देखिए, ईबीसी भी चल रहा है। और जैसे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका, हम इसके बारे में आपको बताएं किस तरह से हम ऑपरेट इसको आते हैं, तो कैसे चेक करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको ये कैसा लगा।